नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अब हम बात करेंगे इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर के बारे में बात करने से पहले रेजिस्टेंस के बारे में तो बता दिया था, बट रेजिस्टेंस के फॉर्मूला वगैरह आप लोग जानते ही हैं। अगर हम रेजिस्टेंस में वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, तो वी इक्वल्स टू आई आर हम सब जानते हैं होता है, जो ओम का नियम होता है। और ओम का नियम बेसिकली रजिस्टर को ही फॉलो करता है, रजिस्टर को सपोर्ट करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में दूसरा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि उसमें टाइम आ जाता है, और टाइम जिसमें आ जाता है उसमें ओम्स का नियम वॉयलेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ओम्स लॉ रजिस्टर को ज़्यादा फॉलो करता है आराम से। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ रजिस्टर, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पावर का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, दो तीन फॉर्मूले होते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर हम रजिस्टर के केस में बात करें तो ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जहां रजिस्टेंस दिया हुआ है पावर के लिए, तो हम इन दो फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। इन दो फॉर्मूलों में वोल्टेज और करंट है। ठीक है, हालांकि तीनों के तीनों फॉर्मूले पावर के। ठीक, और अगर हम एनर्जी की बात करें, रजिस्टर के केस में एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी बोल लीजिए या वर्क डन बोल लीजिए, वर्क डन एक ही चीज़ होती है, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है दोनों का सेम होता है, एनर्जी का और वर्क का। ठीक है, तो इसको कई जगह पे W से डिनोट करते हैं और कई जगह पे E से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ W लिया है, आप E भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी, याद है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था। ये कुछ चीज़ें थी जो कि रजिस्टर के बारे में थी। अब हम बात करेंगे इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि इंडक्टर को, अच्छा हाँ, इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं, उस रजिस्टर को जैसे R से करते हैं, इसको L से करते हैं। इंडक्टर क्योंकि टाइम डिपेंडेंट होता है, तो इसके सोर्सेस भी टाइम डिपेंडेंट होंगे, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स जो भी हो। ठीक है, इंडक्टर के रिस्पेक्ट में, इंडक्टर के रिस्पेक्ट में होने वाले वोल्टेज चेंज जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इंडक्टर के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज है उसमें कितना चेंज होगा, डी आई बाई डी टी के बराबर। इंडक्टर के रिस्पेक्ट में होने वाले करंट के चेंज को वोल्टेज कहते हैं। सुनना ध्यान से, इंडक्टर के रिस्पेक्ट में होने वाले करंट चेंज को डी आई बाई डी टी मतलब होता है, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका चेंज इसके रिस्पेक्ट में, ये तरीका होता है बोलने का। ठीक है ना, जैसे डी आई बाई डी टी यानी समय के सापेक्ष करंट का बदलना, तो जाहिर सी बात है एसी सोर्स में वोल्टेज और करंट दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं, इसीलिए वो टाइम से डिपेंडेंट होते हैं, टाइम वेरिएंट होते हैं। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी यानी इंडक्टर के रिस्पेक्ट में चेंज इन करंट होता है वोल्टेज। ठीक, इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ दिखाया जाता है। जब यही प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो होता है, इसकी जगह आ जाता है L, और ये फॉर्मूले से आप लोग फेमिलियर होंगे। अब करंट अगर निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 1/L I dt, इस फॉर्मूले से भी फेमिलियर होंगे, अरे सॉरी 1/L V dt। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में सेव करके रखता है, स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड में स्टोर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोर जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो हमेशा एनर्जी का डायनेमिक फॉर्म होता है। तभी हमने शुरुआत के लेक्चर में बताया था कि इंडक्टर एनर्जी को डायनेमिक फॉर्म में स्टोर करता है और कैपेसिटर जो होता है एनर्जी को स्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने वाले एलिमेंट को ही हम लोग इंडक्टर कहते हैं।
ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? इसकी मात्रक होती है हेनरी, हेनरी यूनिट, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? एल से करते हैं, इंडक्टर को, इंडक्टेंस को एल से। एच भी लिखते हैं, हेनरी भी लिखते हैं, जो तुम्हारा मन है वो लिख दो। जनरली हम लोग उसको एच करके लिखते हैं, ओनली एच लिख दिया, इसका मतलब हेनरी, ठीक है। इंडक्टर के बारे में समझ गए, स्टोरिंग एलिमेंट होता है, डायनेमिक फॉर्म में स्टोर करता है। अब इसके बाद इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या होता है, इंडक्टर के केस में करंट क्या होता है, पता चल गया, ठीक है। पावर या वर्क कह लो, सॉरी पावर नहीं, वर्क, वर्क या एनर्जी, इंडक्टर के केस में क्या फॉर्मूला बनता है, 1/2 ½ LI²। एनर्जी का फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडक्टर। इसी के ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, करवा देंगे उसको, बहुत सिंपल सिंपल है। बस ये है कि जो भी चीज़ें अभी आपको बताते चले जा रहे हैं उसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इंडक्टर के बारे में मालूम पड़ गया, कैपेसिटर के बारे में मालूम पड़ गया, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का वोल्टेज रिलेशन क्या है, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम सब फिर से मिलेंगे। नमस्कार।